हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं परभणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी हम इंटरेक्शन करेंगे एक जूनियर एडवोकेट से जिनका नाम है एडवोकेट सैयद एजाज, और उनसे जानकारी लेंगे कि एक जूनियर के हिसाब से क्या उनका मनोगत है, क्या उनकी इच्छा है और कैसे वो प्रैक्टिस में आए। तो इजाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने लॉ कौन से कॉलेज से किया? मैंने जो लॉ है परभणी से किया है, शिवाजी लॉ कॉलेज। अच्छा, परभणी से। और क्या 3 बरस का किया, 5 बरस का किया आपने? 3 बरस का LLB। LLB का। और ये जो आपका लॉ कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है? SRTM नांदेड़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना, इसके पीछे आपके क्या मकसद था, क्या इंटेंशन था आपका कि लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करो? एक्चुअली ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन जो करना था किसी प्रोफेशन में करना था, उसलिए लॉ को चुना है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे पहले से ही, वो चीज़ में पॉलिटिकली जो होता है, लॉ जो होता है उसमें इंटरेस्ट था, उसलिए एक लॉ चुना है। एक फैसिनेशन था लॉ, फैसिनेशन था। यस, एक तरह से, एक तरह से। ओके ओके, पैशन जिसे कहेंगे। करेक्ट। अब मुझे बताइए कि अभी आप जूनियर करके अब इस कोर्ट में आए हो जी, तो ये आपको माहौल कैसा लगता है ओवरऑल यहाँ का, कि एक जूनियर के तरफ एक पूरा माहौल किस तरह का है कोर्ट में? इन शॉर्ट जो कहूँगा तो थोड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ है। स्ट्रगल पीरियड लंबा है जूनियर्स के लिए। जैसा बताया जाए कि हमारा जो टाउन है बैकवर्ड टाउन में आता है, इवन महाराष्ट्र में, टोटली महाराष्ट्र के अंदर, तो लिटिगेशन, वैरायटी ऑफ लिटिगेशन उतने नहीं है। तो जूनियर्स को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है। ओके, आपके अभी जो आप जितने भी जूनियर मंडली हो जी, उन्होंने कोई एक स्टडी सर्कल या चर्चा सर्कल ऐसे कुछ बनाया है आप लोगों ने आपके अंदर इंटरनली? जस्ट यस, लास्ट 2 ईयर यहाँ पर एक सीनियर डिवीजन थे अकबर शेख बोलकर, तो जो ADR है, ADR में एक सर्कल चलता था। अच्छा, तो नियर अबाउट वो 2 साल चला, और हमारे सीनियर जो है दराड़े सर, वो एक स्टडी सर्कल चला देते थे। जैसा अभी प्रीवियस असिस्टेंट PP के एग्जामिनेशन है तो उनके क्लासेस लेते हैं वो। अच्छा, उनके क्लासेस एक सक्सेसफुल गए हुए हैं। ये स्टडी सर्कल में एक्चुअली होता क्या है? आई वांटेड टू नो दैट। जस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, वो सब्जेक्ट पर कोई गेस्ट बुलाते हैं, या फिर लॉयर्स के बीच ही कोई लॉयर्स उसको एक्सप्लेनेशन देता है, और वो डिस्कस करते हैं लॉ। अच्छा, और उससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ वगैरह डिस्कस करते हैं, और अपनी अपनी क्यूरी रखते हैं, और उसका एक क्या कहेंगे, निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा, चर्चा कर लेते हैं, जुडिशरी की चर्चा कर लेते हैं, तो जिससे वेरियस लॉ डिस्कस होते हैं उस, और वो स्टडी में थोड़ा आसानी हो जाती। ओके, अभी JMFC में मैंने सुना है कि आपके यहाँ से कोई ना कोई 2 बरस में एक तो JMFC में जाता ही है, इस परभणी बार से जाता ही। तो उसके लिए कोई स्पेशल ऐसे क्लासेस होते हैं या कोई सीनियर लोग क्लासेस लेते हैं, कुछ होता है उसके बारे में? ख़ास बात तो ये, हमारे पास स्पेशल कोई क्लास JMFC के लिए नहीं होता, लेकिन हमारा जो बार है, बार सपोर्टिव बार है, सीनियर्स जूनियर्स जो एस्पिरेंट है JMFC के डिस्ट्रिक्ट जज के, वो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, उसमें से जो नए स्टूडेंट है बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो वो एक अच्छा हमारे पास ट्रेडिशन है, सीनियर भी हो गया तो कॉपरेट करते हैं, और कोई किसी को इनकार नहीं करता। अच्छा, भले नेक्स्ट टाइम देगा लेकिन कॉपरेशन पूरा मिलता है, उसलिए परभणी हमारे सर्कल में अभी तक तो कोई क्लास नहीं है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है JMFC के तालुक से। अभी अगर आपकी पर्सनल लेवल पे बात की जाए जी, तो यू इंटेंड टू ज्वाइन जुडिशरी और यू इंटेंड टू रिमेन इन द प्रोफेशन, आपकी पर्सनल इच्छा क्या है? ना, मैं प्रैक्टिस करना ही पसंद करूँगा। अच्छा, मतलब JMFC वगैरह नहीं, पोस्टपोन है क्या, आपको नहीं करना है? नहीं, करना नहीं चाह रहा। अच्छा,
एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जैसे अभी आप कोई ना कोई मतलब आपके एक पर्टिकुलर सीनियर से जुड़े हुए हो जी, सपोजिंग आप ऐसी एक कोई सिचुएशन आती है कि आपके जो सीनियर साहब है वो कोई तालुका कोर्ट गए हैं या वो आए नहीं है या वो अवेलेबल ही नहीं है जी, और आपको कोई एक समस्या आप इनकाउंटर करते हो जी, तो आपको कितना इजीनेस लगता है कोई एक थर्ड मतलब एक दूसरे सीनियर से पूछने को कि क्या है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा बार बहुत कोऑपरेटिव है, सीनियर रहने दो या जूनियर रहने दो, बेझिझक भी पूछ सकते हैं और उतने आसानी से सीनियर्स हमको कोऑपरेट भी करते हैं। ओके, अभी जैसे आपने कहा कि आप प्रैक्टिशनर ही अच्छे बनने चाहते हो जी, तो सिविल में ज़्यादा रस है क्रिमिनल में रस है या बैलेंस्ड है, दोनों में लगता है आपको करना है? मैं आपको इस पहले बताया कि परभनी जो है लैक ऑफ लिटिगेशन है, ज़्यादा नहीं है, वैरायटी ऑफ वर्क नहीं, उसलिए बोथ साइड प्रिफर करते हैं। अच्छा, मतलब जो आया वो हर काम करने का? यस यस यस। ओके ओके, और आप जो ये लॉ बुक्स वगैरह, क्योंकि हर जूनियर धीरे धीरे लॉ बुक्स खरीदना चालू ही करता है ग्रेजुअली, भले नॉट एट द क्वांटम ऑफ सीनियर के हिसाब से, तो आप जनरली कहाँ से बाय करते हो ये सब किताबें आपकी? कुछ सेलर आते हैं हमारे बार में, बस उन्हीं से परचेस करते हैं। अच्छा, तो इजाज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि आप एक बहुत अच्छे और बड़े एडवोकेट बने। आज एक जूनियर में हो, कल जाके आप बहुत सीनियर एडवोकेट बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।